हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों से जो है बहुत अच्छी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, बट इस बार परफेक्टली आप लोगों से शेयर करूँगी। और आज मैं शेयर कर रही हूँ इडली। इडली परफेक्टली स्पंजी कैसे बन सकती है आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने ये थोड़ा सा आटा जो है चावल पीस लिया था, तो इस तरह से बिल्कुल बारीक मैंने पीसा है चावल का आटा। क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग, आपके ऊपर है कितने लोग खा रहे हैं उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने काफ़ी बारीक पीस रखा है। और मैं इसमें जो बना बनाया पैकेट वाला जो पैटर्न आता है इडली का, उसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो पैटर्न का कम यूज़ करें, चाहे तो पिसा हुआ आटा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्वांटिटी कितने लोग हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया। और उसके बाद ये जो है मैं रात में पैटर्न बना के तैयार करूँगी और सुबह बनाना है इसको। तो रात में बनाने का फ़ायदा ये है कि काफ़ी घंटे भीगने से और काफ़ी ये सॉफ्ट बनती हैं। और इसमें हमने ना इनो ऐड किया ना कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस अच्छे से पानी डाल डाल के जो है इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। एक साथ पानी इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है इसीलिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है ना इसे बस चलाते रहूँगी। ये उतनी ही ज़्यादा स्पंजी बनेगी। और वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर लिया था, धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च और मटर, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और सब्जियां आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं, कौन कौन सी सब्ज़ी पसंद है आपको और आपके बच्चों को। अगर बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो वो भी मैं आपको अच्छा ऑप्शन बताती हूँ कि इन्हीं सब्जियों को आप मिक्सी में जो है ना पूरी तरह से पीस लें, क्योंकि चाहे पीस के या ऐसे जो भी है सब्जियों का विटामिन चाहे जैसे जाए उनके पेट में है बस जाए, कोई उससे मतलब मायने नहीं रखता है कि आप डायरेक्ट उनको खिलाएं। और बस ये रात में जो है मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये देख सकते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने इस तरह से जो है देखने पैटर्न हमारा किस तरह से हो गया है। तो रात में एक दिन जो है ना पहले आप भिगो दें तो आपकी इडली बहुत स्पंजी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। और क्योंकि सुबह लंच में बना रही हूँ मैं इडली बच्चों के लिए, तो सुबह इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। एक घंटा टाइम लग जाता है सब्जी काटना, फिर उसको थोड़ी देर रखना, एंड काफ़ी चीज़ें टाइम लग जाता है। तो आप रात में कर लीजिए 11 बजे तक, और उसके बाद आप सुबह मॉर्निंग में यम्मी सी इडली जो है बनके तैयार हो जाती है। तो मैंने अपना ये कुकर ठीक करवा लिया है। आप लोगों को बताया था मैंने, मेरा कुकर ही ख़राब हो गया था, थोड़ा सा पेज की प्रॉब्लम थी। और इसमें मेरे कुकर में एक साथ जो है 24 इडलीज बन जाती हैं। तो बस ग्रीस करूँगी ऑयल से अच्छे से, ब्रश से। ये ब्रश आपको कहीं भी लोकल मार्केट में या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इसमें ऑयल जो है ना सही से मतलब बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको ऑयल लगता है इसमें। तो सारे जो जितनी भी सांचे हैं इडली के अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी। और ऑयल लगाने के बाद, इसमें ऑयल ज़रूरी है ताकि जब इडली आप उसको हटाएं तो वो अच्छे से जो है रिमूव हो जाए, बर्तन को अच्छे से छोड़ दें वो। और उसके बाद आपको कुकर में देख कर आपको अच्छे से नाप कर जो है पानी भरना होता है, ताकि उसी भाप में जो है इडली अच्छे से पक जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और लाइन से मैं सारी इडली के सांचे जो है वो भर लूँगी। और ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा भी आप सांचों को ना भरें, क्योंकि इडली फूल के एकदम से मतलब ऊपर ना आ जाए, बाहर आने से फिर वो थोड़ा सा ख़राब हो जाती। फिर ये ऊपर एक पेच होता है, सारे सांचों में रखने के बाद ये पेच जो है उसमें आप बंद करके आप कुकर रख दीजिए। तो 15 से 20 मिनट में आपकी इडली जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है और काफ़ी यम्मी भी लगती है। मॉर्निंग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बस मैं जा रही थी, तो चढ़ा दी है, यहाँ अयान देख रहा है मोटू पतलू, और अयान के नाश्ते के लिए मैं कुछ बना रही थी। अयान का स्वेटर मैंने डाल दिया, ऐसे मेरे कान में और सर में इतनी ठंडी लगती है, कौन में नहीं आता, तो फिर मैंने ये डाल दिया। मुझे बहुत गर्म करता है ना ये, इसीलिए।
ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई थी मैं और इडली पक रही थी, तब तक मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। तो मैंने अपनी ग्रीन टी के लिए पानी रख दिया है और उसके बाद हयान के लिए दूध मखाने रेडी कर दिया था मैंने, और तो उसको वो दे दी थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और लंच बॉक्सेस जो है, वैसे तो पहले से भी मैं पोंच के रख देती हूँ उसको ड्राई करके, बट आज नहीं रख पाई थी एक दिन पहले, तो अब रख रही हूँ मैं। और ग्रीन टी मेरी रेडी हो गई है, तो जब तक इडली को थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। और थोड़ा सा ऐसे मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो अपने लिए भी हम लेडीज़ों को टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो कुछ वैसे काम होते हैं हम निकाल सके अपने लिए टाइम, जैसे ग्रीन टी है वगैरह। और इस तरह की टाइम वगैरह निकालना ये होता है कि लेडीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है। और बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो ग्रीन टी पी लेती हूँ। मॉर्निंग का एक ये रूटीन जो है मैं फॉलो कर रही हूँ इस समय डेली, और कभी कभार छूट जाता है तो बात अलग है, ध्यान नहीं रहता है मुझे, काम में इतना बिज़ी हो जाना होता है इस वजह से। तो अभी बस मैं अपनी मेल्स वगैरह कुछ चेक करती हूँ, और जैसे कि ब्रांड्स वगैरह को कुछ भेजना होता है उनको, या उनके मेल्स वगैरह आता है तो उनका रिप्लाई देना होता है तो वो देती हूँ। बाकी तो वैसा कोई काम नहीं है। और मोबाइल में थोड़ा सा जब तक पियो तो तब तक टाइम पास भी हो जाता है। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी इडली हो गई है तैयार, तो यम्मी सी एकदम स्पंजी इडली जो है ना आपको मिल जाती है रेडी। और क्या होता है, ज़्यादा इडली के सांचे हो ना तो उसमें बहुत अच्छे से ज़्यादा आपको मिल जाती है, बार बार आपको कुकर चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो यहाँ देख सकते हैं आप कि इडली, और मैंने टोंग से निकाला था तो काफ़ी इडली जो है ना टूट गई थी। मेरी गलती ये थी कि मुझे टोंग से नहीं निकालना चाहिए था, फिर मैंने बाद में स्पून से निकाला था सांचे से, तो वो काफ़ी अच्छे से फिर निकल गई थी। और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि इस वजह से टोंग से जो है ना वो टूट गई थी मुझसे। और देख सकते हैं आप काफ़ी स्पंजी और काफ़ी यम्मी लग रही है। तो ये एक मॉर्निंग का काफ़ी अच्छा एक नाश्ता होता है कि आप हफ्ते में एक बार जो है बच्चों को दे दीजिए लंच में भी, तो काफ़ी पसंद आता है बच्चों को ये सब। और क्योंकि है इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है लंच में पैक होकर थोड़ा सा लगता है ना कि एकदम से वैसा हो जाता है, ख़राब जैसा लगता है, तो आप ठंडियों में ये नाश्ता काफ़ी अच्छा लगता है। और देख रहे हैं आप काफ़ी स्पंजी और काफ़ी टेस्टी लग रही है। और बच्चों को क्या होता है कि आयु के लिए भी भेज रही हूँ मैं, तो इन लोगों को खासकर ना चिंग्स चटनी बहुत पसंद होती है, तो वो ज़रूर मैं आयु और सिया दोनों को दे रही हूँ। आयान बिल्कुल नहीं खाना पसंद करता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे मुझे नहीं पसंद, और सिया और आयु को काफ़ी पसंद होती है चिंग्स चटनी। तो मैंने इस तरह से ना पॉलीथीन में कर दिया है, क्योंकि मैं किसी और लंच बॉक्स में करूँगी तो बच्चे ना बंद नहीं करते हैं और वो जो है ख़राब कर देते हैं, बैग में ना गिर जाए इस वजह से। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने रूम में, इस अपने स्टूडियो रूम में। कपड़े छत से लाई थी और यहाँ मैंने अपने सारे हैंड बैग्स, मतलब अभी इनमें कुछ कमी है, कुछ कम है और रखे हैं अंदर, तो रखे हुए हैं। और इस बैग के अंदर काफ़ी सारे बैग हैं, छोटे छोटे क्लच बैग से, तो यहाँ मैंने इस तरह से सेट किया। यहाँ पर मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाली हूँ, सो ये वाला बैकग्राउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ देख सकते हैं ये केक स्टैंड है, मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और ये फ्लावर प्लांट अलग अलग मतलब सेट में होते हैं, पर मैंने ना एक में कर दिया है, बालू या मोरंग की ज़रूरत है तभी ये ना अलग अलग प्लांट में रखेंगे इस तरह से। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ये यहाँ पे ये वाला प्लांट यहाँ पे चेंज करूँगी, बट मैंने अभी ऐसे रख दिया। यहाँ ना साइड में बहुत रोशनी सी आ रही है तो प्लांट आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टिकर्स रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ये ऑर्गेनाइज़र बैग्स रखे हैं एक्स्ट्रा, और ये अलग अलग काफ़ी वॉल पेपर्स हैं, तो मैं ये दोनों ये थ्री ले जाऊंगी, ये सेम वाले इस तरह से। सो मैं आ गई हूँ छत पे धूप लेने, हेयर वॉश करो ना तो धूप लेना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा इस समय बहुत दिन से धूप बहुत अच्छी निकल रही है। पर हाँ ठंडक भी हो गई है, हवा वाली ठंडक हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और
इडली का नाश्ता वगैरह तो हम लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छा लगा। और आज थोड़ी देर में नहाई थी क्योंकि नीचे कर रही थी मैं काम, और बस अब लगाना है वॉलपेपर, तो बस ना मैं हेयर वॉश कर ले तो फिर मैं, बहुत शोर हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ सिस्टर के यहाँ, कुछ स्पेशल बनाई है तो मुझे बुला रही थी कि गरम गरम बना के खाएगी, तो खिलाएगी, सॉरी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, यहाँ मेरा सारा काम डन है, बस वॉलपेपर लगाना है तो हम लोग आके लगाएंगे। और क्योंकि बच्चों के आने से पहले ही मुझे आना भी है घर में 2:30 बजे से पहले। सुबह आ गई थी जैसे कि मैंने बताया सिस्टर के यहाँ, और गरम गरम भटूरे बन रहे थे एंड मैंने कुलचा बोल दिया था, जब से ध्यान नहीं रहा मुझे, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे थे। और वैसे तो मैं भटूरा कभी नहीं खाती हूँ, आप लोगों से मैंने बताया था ऑयली होता है, बट मेरी सिस्टर ने इतना अच्छा बनाया था ना, और फिर बहन के हाथों से खाने की बात ही कुछ अलग होती है। और फ़ायदा होता है अगर आपकी बहन है, एक हो चाहे दो हो, और फ़ायदा होता है, नहीं तो बहन के अलावा तो कोई और नहीं है जो आपको बना के खिला सके। बहन का होने का यही फ़ायदा होता है, और बस जिसकी बहन है ना तो मुझे लगता है काफ़ी लकी होगी, तो मैं तो काफ़ी लकी हूँ भाई। अगर आपकी बहन है तो आप लोग भी ऐसी बना बना के खाइए, और उसने बुलाया था गरम गरम खाने के लिए, मज़ा ही कुछ और है। तो दोबारा मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, वहाँ से खा कर आए थे हम लोग यहाँ, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। सो आज देखिए ये आ गया था मेरा बैक कवर, और इसका ना बैक कवर जो मैंने एक लिया था कुछ दिन पहले तो वो साइड से हट गया था, सिंगल था बट ना साइड की बटन नहीं स्टार्ट हो रही थी उसमें, पता नहीं क्या हो गया था, अब सही हो रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। यानी मेरे पास पहले एक बार मैं ले चुकी हूँ इसको, एक दो बार ले चुकी हूँ, और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला बैक कवर, देख रहे हैं बहुत सुंदर लगता है। और बस आज का जो है रूटीन कुछ आज थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि आज हम लेट गए थे, और आज जो स्टिकर लगाना था वो नहीं लग पाया क्योंकि इनको जाना था, सो ये चले गए थे। सो ये है मेरे बेडरूम का न्यू लुक, एंड कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली वॉलपेपर लग गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी खूबसूरत लगेगा मेरा बेडरूम, और भी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप ये मेरा ये व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।